हेलो, गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल यू। ठीक है, तो आज हम थोड़ा रिविजन, लास्ट टाइम पे बताया था मैंने बाइनोमियल थ्योरम, आज उसका जो हम थोड़ा रिपीटेशन करेंगे रिविजन, और फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम पे बताया था मैंने, इसमें मीन ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम एन पी, मीन ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम क्या था, वेरियंस, वेरियंस कितना था, एन पी क्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना बताया था मैंने, एन पी क्यू ए। ठीक, और जो ये प्रोबेबिलिटी क्या बताई थी इसकी, एन सी आर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर, वेयर पी प्लस क्यू इक्वल टू वन एंड आर इज द नंबर ऑफ द सक्सेस, नंबर ऑफ द सक्सेस। ठीक, ये याद आया भाई, यही बताता है, एक तो मीन बताया था, वेरियंस बताया था, वो स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये टोटल प्रोबेबिलिटी बताई थी क्या होती है, एन सी आर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर, वेयर पी एंड पी प्लस क्यू इक्वल टू वन, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू इज द फेलियर। ठीक है, आगे बढ़े भाई, जैसे एक सवाल है, क्वेश्चन है एक, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ फायर कॉइन, द मिनिमम नंबर ऑफ ए कॉइन, द मिनिमम नंबर ऑफ ए कॉइन, द मिनिमम नंबर ऑफ ए कॉइन नीड टू बी ए टॉस, नीड टू बी ए कॉ टॉस, नीड टू बी ए टॉस क्या, द मिनिमम नंबर ऑफ ए कॉइन नीड टू बी ए टॉस सो दैट द प्रोबेबिलिटी, सो दैट द प्रोबेबिलिटी, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट टू हेड्स, एट लीस्ट टू हेड्स एट लीस्ट इज 0.96, एट लीस्ट इज 0.96। अच्छा देखो, अब इसमें क्या है, एट लीस्ट मैंने पहले ही बताया था, जहां भी एट लीस्ट प्रोबेबिलिटी होता है, एट लीस्ट प्रोबेबिलिटी है, बताया था मैंने, एट लीस्ट मैं टोटल में से नो नो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाउ हेड आउटकम, नो प्रोबेबिलिटी टू हैड दो आने, ये आने की, ये घटा देंगे टोटल में से। अच्छा, और फेवरेट कितने हैं कि टू हेड कितने हेड है, द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन, कितने मिनिमम ऑफ कॉइन होंगे टू बी ए टॉस दैट द प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट टू हेड, कितने फेवरेट, टू हेड, और ये क्या कह रहा है, कोई भी हेड ना हो, तो कौन कौन से होते हैं, जीरो और वन हेड आ जाएंगे भैया। देखो पूछ रहा है कि एटलीस्ट कितने हैं, टू हेड आए, और एट लीस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी
नो नो हेड क्या है, नो हेड ये पूछा है, कम से कम दो हेड है, कम से कम दो हेड है तो क्या आ गया, जीरो और वन, जीरो और वन आ गया इसमें। अच्छा अगर ये कहता कि जो है कोई भी हेड ना आवे, फिर या तो सीधी सी फॉर्मूला नो हेड आवे। अब नो हेड में क्या, इसमें नो हेड में क्या, नो हेड की जगह क्या क्या कर सकता हूँ इसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या कर सकता हूँ, टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी वन हेड माइनस प्रोबेबिलिटी जीरो हेड। अच्छा अब इन्हें इन्हें दोनों को माइनस कॉमन लिया गया, यू भी कर सकता हूँ दोनों का क्या कहते हो, प्लस सम, यानी टोटल में से माइनस प्रोबेबिलिटी वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड का सम घटा दो, ये क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट। अच्छा किसी भी चीज, अच्छा कितने, अच्छा किसी भी चीज के क्या है टोटल, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, तीन। एक कॉइन है, कॉइन की प्रोबेबिलिटी पी क्या होती है, पी इक्वल टू क्या होती है, वन अपॉन टू, और क्यू सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वन अपॉन टू। टोटल क्या आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है ये, तो हेड एन की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, वन अपॉन टू, ये तो क्या पी, और क्यू क्या आ गया, फेल होने की, वन माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू वन बाई टू, ये तो पी भी वन बाई टू आ गया और क्यू भी वन बाई टू आ गया, तो फोन में टोटल क्या आ गया, वन माइनस टू, प्रोबेबिलिटी वन हेड, प्रोबेबिलिटी वन हेड, वन हेड कितना आ गया, एन सी जीरो, एन सी जीरो प्रोबेबिलिटी वन हेड, एन सी वन, वन बाई टू की पावर वन, क्यू की पावर वन बाई टू एन माइनस वन, इधर क्या आ गई, प्लस एन सी जीरो, एन सी जीरो वन बाई टू की पावर जीरो, और वन आर क्यू की पावर आर वन बाई टू और एन माइनस जीरो, ये आ जाएगी भैया फॉर्मूला, ठीक है भाई। वन माइनस एन सी वन, एन सी वन क्या होता है भैया, एन सी वन क्या होता है, एन, एन सी वन क्या होता है, एन, ये ब्रैकेट में आ जाएगा सारा, ये ब्रैकेट में था ही, एन सी वन, एन सी वन की वैल्यू कितनी आती है, एन ही आती है, एन सी वन की वैल्यू क्या आती है, एन वन बाई टू की पावर एन प्लस एन सी जीरो वन, वन बाई टू की पावर जीरो वन, और वन बाई टू की पावर एन माइनस वन, वन बाई टू की पावर एन। बट गिवन दैट दैट द एट लीस्ट पॉइंट नाइन सिक्स, एट लीस्ट दो बार आई, एट लीस्ट इसकी वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी की है कि एट लीस्ट पॉइंट वन नाइन सिक्स, ये कितनी है वैल्यू इसकी, पॉइंट वन नाइन सिक्स, इसकी वैल्यू कितनी है, पॉइंट नाइन सिक्स, पॉइंट नाइन सिक्स गिवन है, ये क्या है, ये गिवन दे रखा है। अच्छा ठीक, ये होल ब्रैकेट में जाएगा। अच्छा वन माइनस, वन माइनस वन बाई टू की पावर एन में से कॉमन ले लिया, ठीक है भैया, तो क्या आ जाएगा ये, वन प्लस एन, वन प्लस एन इज ग्रेटर देन पॉइंट नाइन सिक्स, पॉइंट नाइन सिक्स, पॉइंट नाइन सिक्स, इसको इधर लिया हमको हमें, क्या आ गया, माइनस वन बाई टू की पावर एन, वन प्लस एन इज ग्रेटर देन, ये आ जाएगा वन माइनस पॉइंट नाइन सिक्स माइनस वन, तो क्या पॉइंट माइनस पॉइंट जीरो फोर, ये क्या जाएगा, पॉइंट जीरो फोर, ठीक। इसको दोनों तरफ माइनस है, माइनस से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इनक्वालिटी का क्या आ जाएगा, ये साइन चेंज हो जाता है, इफ वी हैव इनक्वालिटी, इफ वी मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड देन द वी हैव द चेंज ऑफ द साइन ऑफ द इनक्वालिटी, दैट इज वी हैव वन बाई टू की पावर एन, वन बाई टू की पावर एन, वन बाई टू की पावर एन, वन प्लस एन, वन प्लस एन इज लेस देन इक्वल टू पॉइंट जीरो फोर, ठीक है। अच्छा इसका मतलब कितना हो गया, वन बाई टू की पावर एन, एन प्लस वन इज लेस देन फोर अपॉन हंड्रेड,
4 upon 100, 4 upon 100 means 1 upon 25, ये क्या आ जाएगा, एन प्लस वन टू की पावर एन इज लेस देन टू की पावर वन की पावर 25, ठीक है भैया। और इधर आगे क्या आ जाएगा, ये टू की पावर एन इज ग्रेटर देन 25 मल्टीप्लाइड देन प्लस वन, ठीक है। अब ये आ गया 2 की पावर n इज ग्रेटर देन 25 n प्लस 1, ठीक। अब मैं इसमें से जो है n में से n को जो है असाइन करता रहूंगा वैल्यू ब्रांच नंबर से 1 2 3 अपनी तरफ से, जो भी एटलीस्ट जो भी पहली वैल्यू होगी वही क्या होगा, मेरा आंसर होगा। अगर n की वैल्यू जो है ये है मेरे पास गिवन, क्या है ये आ गया गिवन है मेरे पे, ये क्या है गिवन है मेरे पे, क्या है 2 की पावर n, 2 की पावर n ए बी 2 25 n प्लस 1। अब मैं n की वैल्यू असाइन करता रहूंगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जब तक कि एटलीस्ट जो भी पहली वैल्यू मेरी असाइन होगी, जो भी इसमें पहली वैल्यू असाइन होगी वही मेरा क्या आ जाएगा इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं n की वैल्यू क्या रखता हूँ, n की वैल्यू क्या रखता हूँ, पुट द n की वैल्यू n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1, वी हैव 2 की पावर 1 और दैट इज कॉल्ड 25 इंटू 1 प्लस 1, 2 की पावर 2 25 इंटू 2 तो 2 इज इक्वल टू 50, 2 इज इक्वल टू 50 नॉट इक्वल टू 50, दैट इज नॉट वी हैव n इज नॉट n इज इक्वल टू 1 नॉट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, नाउ वी पुट n इज इक्वल टू 2 फॉर n इज इक्वल टू 2 4 n is equal to 2, 4 n is equal to 2, n is equal to 2 रखूंगा तो क्या आएगा, 2 is equal to 2 is greater than 25, 2 plus 2 is equal to 2 is equal to 4, 2 is not right, hence we have that if n is equal to 2 then this inequality not satisfy, अच्छा ठीक है। अब इसी तरह पे सब आप रख के देखो, n बराबर 2 से आगे n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, n बराबर 8, n बराबर 9, ये सब रख के देखो भैया कहां तक के, n से लेके 3 4 5 6 7 ये कहां तक के पुट होता है, कहां तक के 8 9 10 इस तरह के जहां तक के भी आए, इधर रख के देखो कौन सी इस इनइक्वालिटी को नंबर सेटिस्फाई करता है, ये नंबर इससे कब बड़ा हो सकता है, करके देखो भैया इसको, बताओ क्या आ गया भैया आंसर इसका, हाँ क्या है, ठीक है क्या है भाई, n बराबर 8, ठीक है n की वैल्यू अगर 8 रख दूंगा मैं, यहाँ क्या आएगा 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 25 इंटू 8 प्लस 1, ठीक है बिल्कुल सही है ये, क्या आ गया देखो वैसे भी लग रहा है ये 2 की पावर ये क्या आ जाएगा, लगभग 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 आ जाएगा, 2 की पावर 5 ये इधर आ गई, मान ले लग 2 की पावर 3 इसे 2 अप्रोक्सीमेटली 2 की पावर 8, 2 की पावर 5 इज ग्रेटर देन 25, 2 की पावर 5 इज 32, 2 4 8 16 32 इज ग्रेटर देन 25, हेंस n इज इक्वल टू 8, दैट इज टू द 8 टाइम, कितने बार होगा 8 बार होगा, सवाल क्या है मेरा ये, क्वेश्चन क्या था मेरा ये भाई, द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन कितने कॉइन होंगे नीड टू बी अ टॉस, जरूरत करने की फॉर दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू हेड, टू हेड आ जाए जो उसकी प्रोबेबिलिटी हो एटलीस्ट इज कम से कम 0.96 है, 26 है, मैंने बताया जहाँ भी एटलीस्ट आ जाए वहाँ क्या करते हैं टोटल में से एटलीस्ट आ जाए टोटल में से प्रोबेबिलिटी नो
कुछ भी ना नेगेटिव है, लेकिन इसमें एटलीस्ट टू हेड है तो टोटल नो तो नहीं है, दो हेड है तो दो में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा और वन आ जाएगा। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी वन हेड और प्रोबेबिलिटी जीरो हेड का क्या कर दिया, दोनों का मैंने प्लस करके टोटल में से माइनस कर दिया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी वन हेड यानी क्या है, वही है फार्मूला एन सी आर पी की पावर आर, एन सी आर पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस वन आर, एन माइनस आर पी। पी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को एनी वन बाई टू, फेलियर कितनी है वन बाई टू, तो वन बाई टू की पावर आर, वन बाई टू की पावर एन माइनस आर। सेम हेयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड, वन बाई टू की पावर आर पी की पावर, पी की पावर आर वन बाई टू, क्यू की पावर एन माइनस आर। वी हैव सोल्व दिस, वी हैव द एट द लास्ट वी हैव द इनइक्वालिटी सच दैट टाइप टू की पावर एन इज ग्रेटर देन 25 एन प्लस वन। इट मीन्स एट लीस्ट नंबर वी शुड ट्राई टू चेक दैट द विच एट लीस्ट नंबर टू सेटिस्फाई द दिस इनइक्वालिटी। इन दिस वी हैव पुट द असाइन द वैल्यू एन इज इक्वल टू वन, नेचुरल नंबर टू, थ्री, फोर, एट एट द एंड वी हैव चेक दैट एट लीस्ट एन इज इक्वल टू एन, छोटे से छोटा कम से कम नंबर वो जो आठ है जो इस इनइक्वालिटी को वो करता है सेटिस्फाई करता है। ठीक, तो हैंस द आंसर इज एन इज इक्वल टू एट। ठीक है भाई, संजय भाई आगे बढ़े। ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, नेट ऑफ गया ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है भैया, देखो भाई ज्योमेट्रिक जो प्रोबेबिलिटी है इसमें जो है जो फिगर है तीन तरह की होती हैं, नंबर एक वन डायमेंशनल, नंबर दो टू डायमेंशनल एंड थर्ड डायमेंशनल। वन डायमेंशनल, वन डायमेंशन, वन डायमेंशनल, नंबर दो टू डायमेंशनल, और क्या होती है थर्ड इज थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल इट हैव ओनली लेंथ, इसके अंदर सिर्फ क्या होती है लेंथ होती है एल। टू डायमेंशन दैट इज वी हैव लेंथ एंड ब्रेथ, थ्री डायमेंशन वी हैव लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। इन विच इन इन द फिगर वी हैव इफ वी हैव वन डायमेंशन इन इफ वी हैव दैट इज कॉल्ड टू द लेंथ, टू डायमेंशन इज कॉल्ड टू द लेंथ एंड ब्रेथ, थ्री डायमेंशन इज कॉल्ड टू द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है भाई। अच्छा, वन डायमेंशनल एग्जाम्पल इज लेंथ ऑफ एनी लाइन सेगमेंट ऑफ एनी लाइन, टू डायमेंशनल इज स्क्वायर, स्क्वायर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर एंड सर्कल। थर्ड डायमेंशन इज क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर एंड सिलिंड्रिकल एटसेट्रा। That is to the example of
वन डायमेंशनली ओनली हैव वन लाइन, टू डायमेंशनली सर्कल स्क्वायर रेक्टेंगल वी हैव टू डायमेंशन लेंथ एंड ब्रेथ, थ्री डायमेंशनली क्यूबॉइड कोन स्फीयर सिलेंडर एटसेट्रा, इट हैव थ्री डायमेंशन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो पोलैरिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल स्पेस ऑफ द वन डायमेंशन, वन डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी, वन डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, क्या होती है वन डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी? क्या होती है फेवरेबल ऑफ लेंथ, फेवरेबल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। और टू डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एरिया इनकी फेवरेबल एरिया यानी कि वन डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी फेवरेबल टाइम के फेवरेबल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, टू डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया। अब है थ्री डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, फेवरेबल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। देखो भाई, अगर किसी चीज का ये तीन फॉर्मूले हैं, जैसे वन डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी मतलब एक ये लाइन है, इसके ऊपर ये पॉइंट आ रहा है, इस तरह की कोई चीज पूछ रहा हो तो क्या है फेवरेबल लेंथ अपॉन टोटल वॉल्यूम। अच्छा, टू डायमेंशनल फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया, जैसे कोई स्क्वायर रेक्टेंगल सर्किल है इस तरह, इसके अंदर स्क्वायर के अंदर नियर रेक्टेंगल या स्क्वायर के अंदर दूसरा स्क्वायर हो, इस तरह की कोई एक स्क्वायर है, एक ये सर्किल है, इसके अंदर एक और सर्किल आ जाए और इस सर्किल के अंदर कोई पॉइंट हो इस तरह की, तो इस और थ्री डायमेंशनल है, एक स्क्वायर है, एक स्फीयर है और इसके अंदर एक क्यूब है, इसके अंदर क्या है कि वो क्यूब है, और क्यूब के अंदर कोई पॉइंट पूछ रहा हो तो इस तरह दैट इज कॉल्ड टू द थ्री डायमेंशनल। ये तीन फॉर्मूले हैं, ये क्या है, ये तीन फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले को क्या करना है, इनको रटना है भाई। क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डायमेंशनल फेवरेबल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, टू डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया, थ्री डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इसको बिल्कुल सेम विपरीत रटना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, किस तरह क्वेश्चन आता है वो मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मिटो जैसे क्या है, ए पॉइंट इज सिलेक्टेड रैंडमली इनसाइड, क्वेश्चन है ए पॉइंट इज सिलेक्टेड रैंडमली इनसाइड ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए पॉइंट इज सिलेक्टेड रैंडमली In
इनसाइड अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए पॉइंट इज सिलेक्टेड रैंडमली इनसाइड ए इक्विलेटरल ट्रायंगल whose length is 3 cm, whose length is 3, find the probability its distance from any corner is greater than 1 देखो भाई एक पॉइंट है हमें सिलेक्ट करना है रैंडमली इनसाइड इक्विलेटरल ट्रायंगल एक पॉइंट हमें सिलेक्ट करना है जिसकी लेंथ 3 है whose length is 3 जिसकी लेंथ 3 है वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है इट्स डिस्टेंस वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है फ्रॉम एनी उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि किसी भी कॉर्नर पे जो उसकी डिस्टेंस हो ग्रेटर देन 1 हो ठीक अब गिवन क्या है इसमें गिवन क्या है इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है क्या दे रखा है इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है कैसी इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है हूज लेंथ इज 3 यानी कि यहां से यहां तक की ये 3 है यहां से यहां तक की क्या है ये 3 है ये भी यहां से यहां तक की ये भी 3 है और यहां से यहां तक का क्या है ये भी 3 है अब मुझे क्या करना है कि वहां प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कोई पॉइंट है कॉर्नर पे जो ग्रेटर देन 1 एक से ज्यादा डिस्टेंस पे है एक से ज्यादा मान लिया जो एक से ज्यादा डिस्टेंस है मान लिया ये अपनी तरफ से एक डिस्टेंस ये रही है यहां से यहां तक के एक ये रही है ठीक तो अब इसी तरह इसी पॉइंट पे मान लिया ट्रायंगल का नाम है ए बी सी इसी तरह एक पॉइंट यहां है एक वाला एक यहां है ये ठीक तो ये भी एक है ये भी एक है ये भी एक है ये भी एक है सिमिलरली हियर इज एट दिस द पॉइंट इज 1 एक पॉइंट यहां है एक पॉइंट यहां है तो ये दोनों भी एक बन ठीक अब मैंने क्या करा कि ये 3 सेंटीमीटर या 3 कुछ भी यूनिट का ये क्या था ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था अब इसमें से मैंने निकाला कि एक पॉइंट जो एक एक यूनिट पे है ये पॉइंट एक यूनिट ही रहा एक यूनिट ही रहा एक यूनिट इधर आई है तीनों कॉर्नर पे एक एक यूनिट के लिए मैंने आर्क लगा दिए दैट इज शोड सीन्स ए सेक्टर दैट इज शोड सीन्स ए सेक्टर ये सेक्टर बोले यहां तक सुनवा गया अच्छा इससे पहले देखो कि क्या फिगर है ये फिगर है इक्विलेटरल ट्रायंगल तो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया ये √3/4 इनटू साइड साइड कितनी है भैया 3 ये 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू √9/4 क्या आ गया एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आ गया 9√3/4 एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आ गया 9√3/4 आ गया एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आ गया साइड का स्क्वायर एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आ गया √3/5 साइड का स्क्वायर √3 अच्छा
अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के ये दैट इज शोर टू द फैक्टर, दैट इज शोर टू द फैक्टर। अच्छा यूं कहना कि वो एक पॉइंट जो होगा वो एक मीटर से बाहर हो जाए, दैट इज मान ले वो पॉइंट यहां है, वो क्या है पॉइंट मान ले क्या है एक से ज्यादा यहां है, तो वो इस कॉर्नर से भी एक से ज्यादा होगा और इस कॉर्नर से भी एक से ज्यादा होगा, इस कॉर्नर से भी ज्यादा होगा, इस कॉर्नर से भी ज्यादा होगा। तो यूं पूछ रहा कि वो जो पॉइंट है वो हर एक कॉर्नर से एक से ज्यादा हो, जब यो एक से ज्यादा होगा कॉर्नर से, मैं क्या करूं इसका जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया है तो इसका एरिया, इस फैक्टर का एरिया ये वाला, एंड दिस फैक्टर एरिया, एंड दिस फैक्टर एरिया, इसको क्या कर दूं, इसमें से क्या कर दूं मैं टोटल एरिया में से इस फैक्टर का एरिया माइनस कर दूं, क्या कर दूं, तो एरिया ऑफ थ्री फैक्टर कितने, अच्छा फैक्टर कितने बन रहे हैं, फैक्टर बन रहे हैं तीन, एक दो तीन, एक फैक्टर का एरिया निकाल के कितने मल्टीप्लाई कर दूं, थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं, तो टोटल लिखेंगे टोटल थ्री फैक्टर एरिया, थ्री फैक्टर एरिया इज इक्वल टू क्या आता है, थ्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी। अच्छा एन इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वी हैव द ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर इक्वल, इफ ऑल एंगल आर इक्वल देन ईच एंगल विल बी टू द 60 डिग्री, इन्हें या कहते हैं इन इक्विलेटरल ट्रायंगल वी हैव ईच एंगल इज ए 50 डिग्री, दैट इज थीटा इज 60 डिग्री एंड इफ वी हैव इट इज टू द फैक्टर, अगर ये फैक्टर है तो इसकी क्या कहलाएगी, ये यहाँ से ये भी एक है, ये तो दैट इज कॉल्ड टू द रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस एंड इट इज टू द वन, हेंस देयर इज आल्सो इट इज द रेडियस, इट इज द रेडियस, इट इज द रेडियस, दैट इज इट इज टू द रेडियस, इट इज टू द रेडियस, इट इज टू द रेडियस, तो थ्री इंटू पाई, अगर पाई कट था तो 22/7 रख लो, नहीं तो 3.14 रख देंगे, 3.14 इंटू आर, आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, 6 टू द 6 प्लस 3 टू द 20, ठीक है, तो ये क्या आ गया 3.14 अपॉन 2, 3.14 अपॉन 2, ठीक। अच्छा अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन क्या प्रोबेबिलिटी की चांस हो, क्या प्रोबेबिलिटी होगी इस एरिया में, इस एरिया में तो इसका क्या जाएगा, इसका इसका क्या जाएगा एरिया, फेवरेबल एरिया, फेवरेबल फेवरेबल एरिया, फेवरेबल एरिया कितना जाएगा टोटल एरिया में से, टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना है 9√3/4 माइनस 3.14/2, दैट इज आंसर, दैट इज फेवरेबल एरिया। निकालनी है मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का वही है सिंपल फार्मूला, बेसिक फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, क्या होता है बेसिक फार्मूला, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन आउटकम, प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला होता है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू इक्वल टू क्या जाता है फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम, टोटल फेवरेबल कितना है, फेवरेबल है 9√3/4/2, यह सर यह इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे क्या जाएगा इसका, ये 2 से मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा, ये आ जाएगा 9√3 माइनस, इसे कर सकता हूं मैं 9√3 माइनस 2√3 का 6/4, यानी 9√3 6/4 नहीं 6.28 माइनस 6/6.28 माइनस 6.28 अपॉन 4 अपॉन टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना है 9√3/4, टोटल एरिया है 9√3/4,
इस फोर से ये फोर कट गया, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे कि आगे 9√3 माइनस 6.28 अपॉन 9√3 तो 9√3 से इसे अलग अलग कर लेंगे क्या आएगा 9√3 वन माइनस 6.28 अपॉन 9√3 क्या आएगा 9√3। वी कैन सोल्व हेयर वैल्यू √3 इज इक्वल टू √3 की वैल्यू क्या होती है √3 की वैल्यू पुट द √3 इज इक्वल टू 0.1732 हैंस वी हैव पुट द वैल्यू √3 इज इक्वल टू 1.732 दैट इज फर्स्ट यू मल्टीप्लिकेशन दैट इज एंड आफ्टर दैट डिवाइड एंड वी गेट टू द आफ्टर 1 माइनस फ्रॉम दिस। देखो सवाल क्या है मेरा, सवाल एक बार सुनने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट सिलेक्टेड है रैंडमली कहेगा एक इक्विलेटर ट्राइंगल इनसाइड इक्विलेटर ट्राइंगल के अंदर, इक्विलेटर ट्राइंगल इन विच हैव द ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर इक्वल। किस तरह है, इसकी लेंथ है 3 यूनिट सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकती है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम एनी कॉर्नर किसी भी कॉर्नर से उसकी ग्रेटर दैन वन हो, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ग्रेटर दैन वन हो। अच्छा ग्रेटर दैन वन हो, मान लीजिए ये वन है यहाँ तक कि वन वन इससे बाहर ही होगा, फिर ही ऑल्सो इट इज वन वन दैट इज पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट है तो ये पॉइंट इससे भी ज़्यादा है वन से, इधर से भी ज़्यादा है तो ये वो है, वो मान लीजिए वो ए पॉइंट है, वो ये है वो पॉइंट है यहाँ। अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी के लिए फार्मूला क्या होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। अच्छा इसका टोटल एरिया टू डायमेंशनल है तो एरिया क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/(साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है इसकी लेंथ 3 है तो ये आ गया इसका, ये तो हो गया टोटल एरिया। टोटल फेयरवेल कितना आ गया, देखो मैंने ये मान इस तरह का ये एक तरह का ये सेक्टर हो गया, ये क्या आ गया सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बट वी हैव टू द हेयर द 3 सेक्टर, वन एक ये सेक्टर रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, कितने सेक्टर हैं 3 सेक्टर हैं तो तीनों का सेक्टर का एरिया क्या है 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका 3 सेक्टर का एरिया ही आ गया। ठीक है अच्छा अच्छा एरिया, अच्छा फेरोवली एरिया कितना आ गया, ये वाला एरिया जो मुझे चाहता है ब्लैंक एरिया, ये कितना आ गया नहीं टोटल एरिया में से इसके किसके इक्विलेटर ट्राइंगल के टोटल एरिया में से 3 सेक्टर का एरिया क्या कर दूं मैं इसको माइनस कर दूं, क्या कर दूं माइनस टोटल एरिया में से कहेंगे किसके एरिया में से टोटल ट्राइंगल के एरिया में से 3 सेक्टर का एरिया क्या कर देता हूं मैं इसको माइनस कर दूं, अगर ये माइनस कर दूं ये फेरोवल एरिया आ जाएगा इसका एरिया का, यही करा है मैंने फेवरेबल एरिया क्या आ जाएगा इसमें से ये माइनस कर दिया और इसकी √3 की वैल्यू रख दी दैट इज कॉल्ड टू द वी हैव सोल्व। इसको घर जाके सोल्व कर लेना या यहीं कर, ठीक है आगे समझे भाई आगे बढ़े ठीक चमक रहा है। ये एग्जाम्पल ना ज्योमेट्रिकली ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का, अब है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, क्या है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, एक सवाल है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। ठीक है भाई अगर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मैथमेटिकल क्या होता है एग्जांपल मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन क्या होता है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, देखो इसका एग्जांपल फिजिक्स का एग्जांपल लेते हैं। वैसे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का एक फॉर्मूला है कोई याद भी करना है मैथमेटिकली एम ई इक्वल टू पैसा, जितना भी पैसा होगा इसकी प्रोबेबिलिटी,
एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, मान लिया कोई गेम हो रहा है, जैसे कोई गेम हो रहा है, कोई गेम बीच में रुक जाए खेलते खेलते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, या कोई शर्त लगा देते हैं, जैसे हम आजकल कोई शर्त लगाते हैं पैसों की कि भारत जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, और उसमें कितने पैसे मिलेंगे उसको, और पैसा उसको डिवाइड में कितने में मिलेगा, तो ये दैट इज कॉल्ड टू द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या है, पैसे इंटू मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी, पैसे मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जैसे पहले टू प्लेयर ऑफ इक्वल स्किल ए एंड बी आर प्लेइंग ए गेम। टू प्लेयर क्वेश्चन है ये, टू प्लेयर हैविंग इक्वल स्किल, टू प्लेयर हैविंग स्किल, हैविंग इक्वल स्किल प्लेइंग ए गेम एंड प्लेयर्स आर ए एंड बी। दो प्लेयर हैं, उनकी हैविंग स्किल है, हैविंग इक्वल स्किल है, बिल्कुल इक्वल स्किल है, बिल्कुल बराबर है, कोई भी ना कोई छोटा ना बड़ा, बिल्कुल स्किल है। ये नहीं है कि जैसे विराट कोहली और बुमराह की अलग अलग स्किल है कि एक बैटिंग में है एक बॉलिंग में, बिल्कुल अगर बैटिंग में भी कोई कंपेयर करनी है, जैसे डेविड वार्नर विराट कोहली, बिल्कुल इक्वल स्किल है कि इक्वल स्किल गेम है किसकी, ए एंड बी की। और कोई गेम खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, कोई गेम खेल रहे हैं, दे लीव गेम्स फॉर सम टेक्निकली प्रॉब्लम, सोम फोन सब टेक्निकली प्रॉब्लम, दे लीव उन्होंने गेम खेलना छोड़ दिया क्यों, सम टेक्निकली प्रॉब्लम। When A wants three points and B wants two and B wants 2 points to win. If the prize money is 16,000, can the referencer, can the referee divide the money in the fair way? देखो सवाल क्या है, दो प्लेयर हैं, हैविंग इक्वल इक्वल प्लेइंग गेम की है, दो प्लेयर हैं हैविंग इक्वल बिल्कुल इक्वल स्किल है को के ए एंड बी की, दे लीव गेम वो खेलना छोड़ देते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है, ए वांट अगर थ्री पॉइंट है तो थ्री या कुछ और चेंज कर लो यार, ए वांट थ्री पॉइंट, ए क्या चाहता है 3 पॉइंट, और बी कितने चाहता है 2 पॉइंट टू विन, ए जो है 3 पॉइंट चाहता है विन के लिए, बी कितने चाहता है 2 पॉइंट टू विन। इफ द प्राइज मनी रेस 16,000
1000 कैन रेफरी डिवाइड इनटू द वे ऑफ द फेयर वे, इसको रेफरी जो है फेयर वे में इनको पैसे को डिवाइड करेगा, कर सकेगा, कितने करेगा या करेगा तो कितने करेगा, व्हाट प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कितने करेगा या किस तरह करेगा ये जो है इसकी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यानी कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, जब गेम हुआ ही नहीं है क्या एक्सपेक्टेशन होगी, गेम हो रहा था, गेम बारिश की वजह से या किसी भी वजह से जो है ख़त्म हो गया, रुक गया, तो उसका जो पैसा बांटना है, तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या एक्सपेक्टेशन होगी उनकी पैसे की, अगर सिर्फ इसमें गिविन है कि अगर एक को 3 पॉइंट आ जाए, ए के 3 पॉइंट आ जाए तो ए जीत जाएगा, अगर बी को कितने पॉइंट चाहते हैं, 2 पॉइंट चाहते हैं तो ये बी जीत जाएगा। अच्छा, इससे इस एक बात और क्लियर हो रही है कि अगर ए के कंपेयर में बी के जो चांसेस है वो जो है ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी जीतने के, क्योंकि ए कितने पॉइंट पे जीत रहा है, 3 पॉइंट पे, ए कितने पॉइंट पे जीत रहा है, 3 पॉइंट पे, बी कितने पॉइंट पे जीत रहा है, 2 पे। इन दिस क्वेश्चन इट इज क्लियर वी हैव द चांसेस ऑफ टू द विन इज मोर बी टू गेट टू कंपेयर टू ए के मुकाबले बी के विनिंग चांस ज्यादा है। ठीक, अच्छा, अब क्या करना है मुझे, अच्छा इसके केस में मान लो अगर ए विन करता है, अगर मान लिया ए विन करता है, अगर क्या मान लिया, इफ ए विन, इफ लिखेंगे लेट इफ ए विन मान लिया ए मैच जीत रहा है। ए मैच किस तरह जीत सकता है भाई, अगर ए मैच जीत सकता है पहला केस क्या हो सकता है, ए मैच कितना जीत सकता है, यानी ए पहले भी जीतता है, ये जीतता है 3 पॉइंट आ जाए, एक केस ये जीत सकता है, फिर किस तरह जीत सकता है, दूसरा केस क्या है, सेकंड केस में क्या है, बी जीत जाए फिर ए हो सकता है, थर्ड केस में क्या हो सकता है भाई, बी भी जीत, थर्ड केस में क्या हो गया, अच्छा अगर अब मैंने यहाँ बी लिख दिया तो बी जीत जाए 2 पॉइंट आ सकता है, कितना हो सकता है, ये कितना था, ए जीत जाए फिर बी जीत जाए फिर ए ये हो सकता है, फिर फोर्थ में क्या हो सकता है, ए जीत जाए फिर ए बी जाए। ठीक, अगर मैं ये कहूँ कि भाई यहाँ बी दोनों बार बी ले लेता तो बी ऑलरेडी गॉट 2 हैंड, हैंस ही विल बी वन द मैच, इसलिए मुझे चाहता है कि ए ही जीते, मुझे क्या चाहता है, ए ही जीते, अगर ए जीतेगा तो ए 3 बार ना चाहिए, तो 3 बार तो यहाँ गया और 3 बार किस तरह जाता है, पहले में बी जीतते फिर लगातार 3 जीतते, फिर पहले में ए फिर बी फिर 2 ए, पहले में ए दूसरे में फिर बी, ये 4 पॉइंट कितने तरीके बनते हैं, 4 बनते हैं। अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ए की विन की 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी केस फर्स्ट की कितनी होगी भाई, केस फर्स्ट की 1/2 मल्टीप्लाई ए एंड इसमें फिलिंग कह की आ रही है एंड की, अगर फिलिंग एंड की आए तो क्या होता है, बता रखा है तो मल्टीशन होता है, क्या होता है, ए की एंड 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 यानी 1/2 power 3। अच्छा बी में क्या, इसके में क्या जाती है, बी की कितनी है 1/2, अगर इसकी 1/2 है तो 1 - 1/2 तो बी की कितनी होगी 1/2 आ जाएगी इसकी भी, या प्रोबेबिलिटी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी भाई 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 यानी 1/2 power 3 और 1/2 power 4 here is that 1/2 power 4 एंड दैट इज कॉल्ड सिमिलरली 1/2 power 4 एंड हैज टू 1/2 power 4 तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, पहली की कितनी है प्रोबेबिलिटी 1/8, फिर कितनी है 1/8 + 1/16 + 1/16 + 1/16 इसकी तो 1/8 है, इसकी 1 1 1
तो आ गया, तो क्या आ गया, 1/8 3/16 1/8 प्लस, या इधर ही कर दो, 1/8 प्लस 3/16, इनका 16 एलसीएम आ जाएगा, 8 to the 16, 2 + 3 मीन 5/16 आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी। अच्छा ये अच्छा फेवरेबल, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस, प्रोबेबिलिटी ए विंस क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी अपॉन फेवरेबल, टोटल प्रोबेबिलिटी अपॉन प्रोबेबिलिटी। अच्छा ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हो, 5/16 आ गई, ए की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई। अच्छा बी की कितनी हो जाएगी, ए विंस की टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। अच्छा बी विंस की क्या आ जाएगी, पी विंस 1 - 5/16 कितनी आ जाएगी, 11/16। अच्छा ए की तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हो, 5/16, बी की कितनी आ गई, 11/16। अब इसको कितना पैसा मिलेगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है पैसा इनटू प्रोबेबिलिटी। अब यह इनकी मेथड ME of A, इनकी A get पैसा, इनकी A get को, A को कितना पैसा मिलेगा, कितना, 16,000 multiply A को कितना मिलेगा, 5/16 is equal to 1000, 16 लिखेंगे। B get पैसा बी को कितना मिलेगा, 16,000 multiply 1/16 कितना आ गया, 5,000 11,000 ये आ गया। देखो 15,000 multiply 5/16 16 1000 multiply 5 5,000 15 1000 11/16 = 11,000। तो ए को कितना पैसा मिलेगा, ए को 5,000 हो जाएगी इसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, इसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ये आ जाएगी, इसकी क्या जाएगी, ये आ जाएगी ये 11। अभी कहा था ना कि अभी बताया था कि इसकी चांसेस ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं तो इसे इसीलिए ज़्यादा पैसा मिलना। सवाल क्या है, आपके एक बार समझने की कोशिश करते हैं, दो प्लेयर हैं उनकी हैविंग इक्वल क्या है, उनकी हैविंग इक्वल स्किल है किसी भी गेम की, किसी भी वजह से टेक्निकली या बारिश की वजह से या रेन की या कोई भी वजह हो सकती है उन्होंने जो है, या बैड लाइट हो सकती है, तो उसकी वजह से जो है उन्होंने गेम क्या है ऑफ हो गया, लीव कर दिया। अच्छा अगर ए को 3 पॉइंट मिल जाते हैं तो ये हो जाता है बी सी गेम, जैसे टेनिस की गेम है सेरेना विलियम्स खेलती हैं, इस तरह का गेम समझो, फुटबॉल है या पेनल्टी किक है फुटबॉल में, अगर एक को 3 पॉइंट मिल जाते हैं तो ये सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाता है, ये जीत जाता, और बी को कितने मिल जाते हैं, 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो क्या करता, ये जीत जाता। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर इनके टोटल 16,000 रुपये, टोटल कितने हैं, 16,000 रुपये, वो जो प्राइज मनी है 16,000 है, तो किस तरह फेयर तरीके से किस तरह बांट सकते हैं। अच्छा ये क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का फार्मूला है, पैसे मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी। अच्छा पहले मैं ये निकाल लूँ कि मान लें ए की विन के कितने चांसेस हैं, ए के विन के 3 चांस, कितने टोटल केस बना लिए, पहला केस, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार, किस तो 4 केस बनाए, या तो हो सकता है कि पहला तीनों में ही पहला ए आ जाए जीत जाए, या क्या हो जाए पहले में बी, दूसरे तीनों में फिर ए, ये हो जाए। अब तीसरे में मैंने लगातार 2 बी क्यों नहीं लिए, अगर लगातार 2 बी ले लेता मैं तो फिर ए जीत जाता, हमें जीताना क्या है ए की, तो इसलिए मैंने ए लिया, बी लिया, ए लिया। अच्छा ए की चांसेस की फिर सेम इज इट। अच्छा अब मैं फीलिंग आ रही है ए जीत जाए, ए एंड जीत जाए ए, तो अगर इनके बीच की क्या आ जाएगी, मल्टीशन आ जाएगी। ए की क्या है चांसेस क्या है, 1/2, इसकी 1/2 1/2, बी के भी कितने हैं इक्विवेलेंट है तो 1/2, इसके 1/2 multiply 1/2 multiply 1/2, यानी कि 1/2 की पावर 4, तो इसे क्या होगा 1 की पावर 4/2 की पावर 4 = 1/4, 2 की पावर 4
इज इक्वल टू 15, ये क्या आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/16, इसकी थर्ड की भी 1/16 आ गई, फोर्थ की भी, सारी ये 1/16 आ गई, क्या आ गई है, दैट इज इट मीन्स इट वी हैव द मीन्स द प्रोबेबिलिटी इज, अच्छा जो टोटल इनको सबको क्या कर लिया, टोटल जोड़ लिया, सबको क्या कर लिया, सबको जोड़ लिया, जो प्रोबेबिलिटी आ गई ए की, ए की मीन्स की आ गई, इस तरह ही मन माइनस से घटा दिया तो क्या क्या आ गई, बी आ गई। और मैथमेटिकल एक्सपेक्शन का फॉर्मूला है पैसा इंटू प्रोबेबिलिटी, टोटल कितना पैसा है 16,000, 16,000 इंटू प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई ए की, और फिर क्या की निकाल ली, बी की निकाल ली, क्या की निकाल ली, ये ए की है ना, हाँ ठीक है यार, ये ए की निकाल ली, ये बी की निकाल ली, तो इसका मल्टीप्लाई करके 15,000, इसका मतलब कोई बेईमानी नहीं, ईमानदारी से सब सेटिस्फाई हो गए, बी को कितने मिल गए पैसे खेल खत्म होने पर 11,000 रुपए दे दिए, और ए को 5,000, कोई डाउट नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होना, ठीक है, आई समझ में, ओके आगे बढ़े। That is large two type of probability, coincidence probability. That is large to the coincidence probability. That is large coincidence probability. Coincidence probability क्या होती है? मान लिया एक कोई क्लास है, इस क्लास में से ये कोई डस्टर चोरी हो गया, ये कोई डस्टर चोरी हो गया, अब जब ये चोरी हो जाता है तो क्लास में एकदम टीचर आता है कि भाई डस्टर कहाँ गया, ये वेरी वेरी डस्टर, तो अब सब चुपचाप रहते हैं, अब टीचर का शक किया जाता है कि कभी इधर उधर ढूंढेगा, चलो नहीं मिला, अब बच्चे बताते हैं कि सर किसी ने उठा लिया, सर किसी ने उठा लिया, तो वो शक करता है कि कोई भी जो शरारती बच्चे होते होंगे तो सबसे पहले उन्हें उठाता है कि भाई आप बताओ, मान लिया उस क्लास के दो सबसे शरारती बच्चे हैं, वो तो ना तो पढ़ते और ना ही पढ़ने देते हैं, हेयर ऑलवेज प्रेजेंट सच दैट टाइप स्टूडेंट इन एवरी क्लास, मान ले ए और बी हैं दो स्टूडेंट हैं, इन्हें जो है इन्हें बुलाएगा कि भाई इससे पूछेगा कि भाई हाँ भाई, पहले तो ए को बुलाएगा, फिर क्या बुलाएगा, ये बी को, ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई ए को बुलाया कि भाई डस्टर देखा आपने कहाँ है डस्टर, तो ऐसा हो सकता है ए ट्रू बोलता है, ए भी सच बोल ले और बी भी सच बोल ले, जो भी ए भी सच बोल ले अगर बी भी सच बोल ले तो जो इनका स्टेटमेंट है, जो इनका ये होता है स्टेटमेंट, मतलब इनका जो स्टेटमेंट है क्या हो जाएगा, इनका जो स्टेटमेंट है वो मैच करेगा, वेरीफाई हो जाएगा, सेम होगा नहीं होगा, मैच होगा या वेरीफाई होगा या सेम होगा नहीं होगा, अगर ए भी सच बोल ले बी भी सच बोल ले तो स्टेटमेंट का क्या करेगा, वेरीफाई होगा, ठीक होगा, बिल्कुल सही होगा दोनों का, यानी कि वेरीफाई क्या होगा, वेरीफाई या मैच, मैच कर दो, मैच या प्रायोरिटी आएंगे, या ए फॉल्स बोल ले, इनमें से एक ट्रू बोल ले, क्या कहा मैंने, एक इनमें से फॉल्स बोल ले, एक इनमें से ट्रू बोल ले, एक इनमें से फॉल्स बोल ले, एक इनमें से
ट्रू बोल ले तो मैच हो जाएगा, अनमैच क्या हो जाएगा, अनमैच। अच्छा या ऐसा हो सकता है एक फॉल्स बोल लिया इनमें से दोनों दूसरा भी फॉल्स बोल लिया, फिर क्या हो जाएगा, फिर इनका स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। या ऐसा हो सकता है एक ट्रू बोल ले एक फॉल्स बोल ले फिर क्या आ जाएगा, यो अनमैच हो जाएगा इनका स्टेटमेंट। अच्छा अब तुमने देखो ये चार कंडीशन बन गई इनकी, किसी भी इसकी क्या हो गई है, चार कंडीशन बन गई है, ये चार कंडीशन क्या बन गई, मान लिया ये ए और बी दो स्टूडेंट हैं, कोई क्लास में कोई चीज गुम हो गई, चोरी हो गई, या चेरी टूट गई मान लिया, कोई डेस्ट करना है। तो अगर दोनों दो शरारती बच्चे हैं ए और बी से पूछवाया कि भाई क्या हुआ, अगर दोनों सच बोल रहे हैं तो उनका जो है स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, मैच कर जाएगा। अगर दोनों फॉल्स बोल रहे हैं जब भी उनका स्टेटमेंट मैच कर जाएगा। अगर एक ट्रू बोल रहे एक फॉल्स बोल रहे, एक फॉल्स बोल रहे दूसरा ट्रू बोल रहे, जब भी उनका डाटा क्या आ रहा है, जो उनके स्टेटमेंट है मैच नहीं कर पाने। या एक ट्रू बोल रहे एक फॉल्स बोल रहे, इनका डाटा जब भी अनमैच नहीं कर, इनके डाटा क्या होगा, अनमैच रहेगा। यहाँ तक भाई सुनिए, इट इज ओके। अच्छा ये हो गया। अगर मान लिया इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ट्रू की प्रोबेबिलिटी मान लिया पी वन है, ट्रू की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मान लिया ए के स्टेटमेंट की ट्रू की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी वन है। बी की ट्रू की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी टू है। ए के ट्रू बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी वन है। बी की कितनी है, टू। अच्छा इस तरह ए के फॉल्स बोलने की कितनी आ जाएगी, वन माइनस पी वन। इसकी प्रोबेबिलिटी ट्रू की कितनी आ जाएगी, ये तो पी टू है ही, इसकी फॉल्स की कितनी आ जाएगी, वन माइनस पी वन। ट्रू की कितनी आ जाएगी, पी वन। इस तरह फॉल्स की इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, वन माइनस पी टू, और फॉल्स की वन माइनस पी टू, दैट इज फोर। वी कैन कैलकुलेट मल्टीप्लाई दिस, वी कैन कैलकुलेट कि ये क्या हो रहा है, कि अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं ठीक है। यानी अगर दोनों ट्रू बोल रहे हैं तो स्टेटमेंट जो है मैच करेगा, या दोनों फॉल्स बोल रहे हैं तो जब भी स्टेटमेंट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि वो मैच करें। अगर दोनों में से एक झूठ बोल रहा है एक सच बोल रहा है तो क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि उसकी जो है अनमैच की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, अनमैच की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है आगे बढ़े। जैसे क्वेश्चन है, ए स्पीक्स ट्रूथ थ्री आउट ऑफ फोर, यानी ए स्पीक्स ट्रूथ थ्री आउट ऑफ फोर, बी आउट बी सेवन टाइम्स आउट ऑफ टेन, बी स्पीक्स सेवन टाइम्स आउट ऑफ ए की जो स्पीक्स की जो ट्रूथ की सच्ची है थ्री आउट ऑफ फोर है, ए की जो स्पीक्स की थ्री टू फोर है, बी की स्पीक की सेवन टाइम्स है आउट ऑफ टेन है, ए की बोथ दे एसर्ट्स बोथ बोथ दे एसर्ट्स दैट ए व्हाइट बॉल
efforts a white ball has been drawn A speaks to 3 out of 4, B speaks 7 times out of 10. Both they assert that a white ball has been drawn. एक वाइट बॉल क्या गया है ड्रॉन की जाती है from a containing six ball. एक बैग है उसके अंदर 6 बॉल हैं और डिफरेंट कलर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड द प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है probability of truth. देखो भाई क्या सवाल है ये सवाल समझने की कोशिश करो भैया देखो ए की जो स्पीक्स ऑफ ट्रूथ है 3 out of 4 तीन बार टोटल 4 में 3 है बी की जो स्पीक्स जो है 7 times of 10 बी की जो प्रोबेबिलिटी है 7 times out of 10 अच्छा बोथ दे एजर्ट दैट ए व्हाइट बॉल हैज बीन ड्रॉन एक व्हाइट बॉल खींचा क्या है मतलब एक बैग है उसके अंदर 6 बॉल है इसके अंदर क्या है 6 बॉल है 6 बॉल में से एक बॉल क्या करना है कि एक बॉल खींची जाती है और वो कैसी रंग की दो एक व्हाइट बॉल हो क्या है वो व्हाइट बॉल हो तो इसकी जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है अच्छा ठीक इससे पहले क्या है कि एक बॉल मान लिया ये है देखो भाई ये एक बैग है इस बैग के अंदर मान लिया 6 गेंद है कितनी गेंद है 6 गेंद है 1 2 3 4 5 और ये 6 वाइट बॉल दो दो चार और ये सभी क्या है सारी जो है अलग अलग रंग की है अलग अलग जैसे ये येलो है ये ग्रीन है ये ब्लू है ये रेड है ये ऑरेंज है एक है ये वाइट की ठीक है अच्छा ये निकालनी है कि दैट दैट बोथ वाइट बॉल ये की क्या है वाइट बॉल है स्टेटमेंट की निकालनी है अच्छा प्रोबेबिलिटी दे रखी ए स्पीक द 3 out of 4 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ पे पहले तो जो गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी दे रखी 3 upon 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ गया 7 upon 10 देयर इज नो प्रॉब्लम एट दिस स्टेज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3 upon 4 प्रोबेबिलिटी बी ऑफ 7 upon 10 अब क्या करते हैं बोथ दे असर्ट दोनों जो है कि एक व्हाइट बॉल आ जाएगा कि इनमें से एक व्हाइट बॉल आ जाएगा अच्छा इनमें से अगर एक व्हाइट बॉल आ जाएगा और ये ए और बी से पूछा जाए कि भाई कैसी बॉल आई इसके दो तरीके हो सकते हैं क्या हो सकते हैं कि क्या तरीके हो सकते हैं दैट द ट्रूथ सच बोलने के क्या तरीके हो सकते हैं दो केस क्या बन सकते हैं मान लिया ए भी सही बोल रही हो मुझे ए है ये बी है इनसे पूछा जाएगा कि भाई हाँ भाई क्या रहा भाई किस तरह बोलेगी ये वाइट तो ए भी ट्रूथ बोल रहे स्टेटमेंट और बी भी ट्रूथ बोल रहे यानी ट्रूथ का क्या स्टेटमेंट जो है अच्छा फिर क्या है और इसमें वाइट बोलो क्या आ जाएगा कि स्टेटमेंट क्या है कि ए भी ट्रूथ बोल रहे बी भी ट्रूथ बोल रहे और वाइट गेंद आ जाए और क्या आ जाए वाइट गेंद आ जाए केस फर्स्ट क्या बना
फर्स्ट केस क्या बना हुआ इसका, कि ए भी जो है, ए भी ट्रूथ बोल रहा है, बी भी ट्रूथ बोल रहा है और व्हाइट गेंद आ जा रहा है, ठीक। अच्छा अब या दूसरा तरीका क्या हो सके, दूसरे तरीके क्या हो सके, बी भी ट्रूथ होने की, सच्चे होने की इनकी, यू भी फॉल्स बोल रहा है, यू भी फॉल्स बोल रहा है और व्हाइट गेंद ना आवे। अब ये पूछा कि हाँ भाई जैसे गेम खेल रहे हैं भाई कौन सी गेंद आई, अब उसे अब दोनों से अलग अलग ले जाके गेंद निकाल ली, ए से पूछा कि हाँ भाई कौन सी गेंद आई, तो ऐसा हो सकता है जो अगर मान लिया एक तरफ हो रहा है तो जाए ना, ज़्यादा बच्चे झूठ बोलते हैं खेलते हुए, अब भाई क्या आया क्या नहीं आया, पूछा कौन जीत गया कौन हारे, झूठ बोलता है इस तरह की, तो अगर मैं ए से पूछूँ कि इसे पता नहीं है कौन सी गेंद आई, तो ऐसा है ए को पता चल गया कि हाँ भाई वाइट गेंद, दो तरीके हो सकते हैं ए भी, ये तो दोनों क्या बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं और वाइट गेंद आ जाए, या ये क्या हो सकता है दोनों क्या बोल रहे हैं, दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों झूठ बोल रहे हैं और व्हाइट गेंद ना आए, व्हाइट गेंद ना ही हो, व्हाइट गेंद ना ही हो। अच्छा अच्छा प्रोबेबिलिटी वो व्हाइट गेंद आने की क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी का पी डब्ल्यू से इंडिकेट करूं, अगर व्हाइट गेंद की प्रोबेबिलिटी को कह रहे डब्ल्यू से इंडिकेट करूं तो प्रोबेबिलिटी वो व्हाइट आने की क्या आ जाएगी, टोटल कितनी है 2, 4, 6 और व्हाइट की कितनी है फेवरेबल 1, तो 1/6 कितनी आ गई थी प्रोबेबिलिटी। अच्छा एक तो फर्स्ट केस ही बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा ये सेकंड केस, फर्स्ट केस की क्या होगी प्रोबेबिलिटी, इसकी ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, ए की ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए की ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी आएगी ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी भैया, ये देखिए पी ए, ये तो मान लिया ए की है ट्रूथ, ये बी की है, ये भी ए की है ये बी की है, तो ए की ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, 3/4 मल्टीप्लाई, बी की कितनी है 7/10 मल्टीप्लाई, व्हाइट की कितनी है 1/6, तो कितना आ गया ये 3/7 21/40, 4/10 40, 40 6/240, ठीक। अब बी की, अब वो बी की जो है फॉल्स, फॉल्स की प्रोबेबिलिटी, ए की ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, तो पी ए डैश, पी ए डैश कितना आ जाएगी प्रोबेबिलिटी फॉल्स होने की, ये 1 - 3/4 कितना आ गई 1/4। इसी तरह पी डैश बी फॉल्स होने की, पी की प्रोबेबिलिटी फॉल्स की कितनी आएगी 1 - 7/10 3/10। इसी तरह व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है किसी गेंद की 1/6, तो पी डैश व्हाइट, व्हाइट ना आने की क्या आ जाएगी 1 - 6 क्या आ गई 5/6। तो दैट इज ऑल वी हैव टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट स्पीकिंग ऑफ द फॉल्स, क्या आ गई स्पीकिंग ऑफ द फॉल्स इज प्रोबेबिलिटी 1/4 इज कॉल्ड 1/4 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्पीकिंग फॉल्स इज इक्वल टू 3/12, 3/10 और स्पीकिंग फॉल्स इज नॉट गेटिंग ए व्हाइट बॉल इज इक्वल टू 5/6, इट मीन्स दैट मल्टीप्लाई करेंगे 5/15 / 4/10 / 40 = 240। ये बी की आ गई। अच्छा अच्छा ए की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट की कितनी आ गई 21/244, 40, सेकंड बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 15/240 आ गई। अच्छा जी अच्छा प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी कि स्पीक्स ट्रूथ की, ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसी भी चीज को प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता रखा मैंने फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल कितना है सच की, फेवरेबल कितना है सच की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये है सच की तो कितनी आ गई 21/240 / अच्छा अपॉन क्या आ गई, अब की टोटल, टोटल कितनी आ गई, एक केस तो ये रहा है ये और एक केस रहा, दोनों क्या कर दूंगा प्लस कर दूंगा, तो क्या आ गया 21/240 + 15/240
40. इट मीन्स क्या आ गया भैया, ये क्या आ गया है आगे, ये क्या आ गया है 21 अपॉन 240 21 इक्वल टू 36 अपॉन, ये है ना 21 अपॉन 240 प्लस क्या आ गया था भैया 15 अपॉन 240 ये आ गया ना, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो कितना आ गया 21 अपॉन 240 अपॉन 36 अपॉन 240 240 क्या आ गया 21 अपॉन 36 दैट इज मीन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रूथ ऑफ स्पीकिंग इज इक्वल टू 21 अपॉन 36 क्योंकि देखो सवाल क्या था, एक बार और सवाल जो है समझने की ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, क्या था सवाल ये कि देखो भाई ए स्पीक्स ट्रूथ आउट ऑफ फोर, ए की जो स्पीक्स के ट्रूथ की जो प्रोबेबिलिटी 3 आउट ऑफ 4 है, बी स्पीक्स 7 टाइम्स आउट ऑफ 10, बी की जो प्रोबेबिलिटी है कितनी है 7 है 10 में से 7, अब दे एसेट्स वो एसेट्स करते हैं दैट द ए वाइट बॉल हैज बीन ड्रॉन, एक वाइट बॉल खींची जाती है मेरे पास 6 अलग अलग रंगों की मेरे पास बॉल है 2 3 4 5 6 मान लीजिए 6 वाइट बॉल है, ये छठी वाइट बॉल है ये, अच्छा तो ये कि जो उनके स्टेटमेंट है द डिफरेंट कलर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ, सच्चे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, दो केस बन सकते हैं, ऐसे बताया था मैंने, या तो दोनों ट्रूथ बोल रहे हो और एक वाइट गेंद आ जाए, ये दोनों जो है फॉल्स हो जाए, दोनों क्या आ जाए ट्रूथ आ जाए, दोनों फॉल्स बोल रहे हो और वाइट गेंद ना आए, ठीक है, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/4 क्लियर, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई 3/4 तो पी ए डैश ही डायरेक्ट लिख लेंगे 1 - 3/4 1/4 सिमिलरली पी बी इक्वल टू 7/10 तो पी डैश बी इक्वल टू 3/10 ये निकल रखा, अच्छा अब ये 6 गेंद है, 6 गेंद कितनी है ये अलग अलग कलर की है, अलग अलग कलर की है, एक बॉल लानी है प्रोबेबिलिटी वाइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट गेंद क्या आ जाएगी 1/6 टोटल 6 बॉल है एक वाइट है तो पी डब्ल्यू इक्वल टू 1/6 और ना वाइट आएगी और ना वाइट पी डैश डब्ल्यू पी डैश 1 मैंने माइनस कर दूंगा फिर क्या आ गई 5/6 तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की 1/4 नॉट टू, अच्छा अब दोनों के जो है ये प्रोबेबिलिटी मान ली है, ये दो केस बन गए, दोनों ट्रूथ बोल गए या दोनों एक जो वाइट आ रही है या दोनों फॉल्स बोल रहे हैं और जो वाइट गेंद लग है, इनमें जो दोनों ट्रूथ पहला ट्रूथ एंड दूसरा ट्रूथ एंड वाइट गेंद आ जाएगा एंड वाइट गेंद आ जाएगा तो इसमें एंड की फीलिंग आ रही है, जहाँ भी एंड की फीलिंग आएगी वहाँ क्या आ जाता है मल्टीशन, पहले केस ही आ गया इनकी वैल्यू रख के ये आ गया, दूसरे केस में इनकी वैल्यू रख के क्या आ गया 15 अपॉन 240 आ गया, अच्छा अब इसमें टोटल निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे टोटल, अब टोटल क्या निकाल इनकी टोटल क्या होती है यानी केस फर्स्ट एंड केस सेकंड की प्रोबेबिलिटी क्या कर दूंगा दोनों को प्लस कर दूंगा ये टोटल आ गया, अच्छा प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इनकी फाइंड द ट्रूथ ऑफ द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ इसकी सच्चाई की, इनकी स्टेटमेंट ट्रूथ का वो आंसर क्या है ट्रूथ के, जब दोनों ट्रूथ बोल रहे हो, जब दोनों ट्रूथ बोल रहे हो, जब से स्टेटमेंट ट्रूथ होगा ना, अभी बताया था मैंने, अगर मान लिया ए बी, अगर ए ए और बी है, ये ए और बी है, अगर ए भी ट्रूथ बोल रहा होगा बी भी ट्रूथ बोल रहा होगा तो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, स्टेटमेंट मैच कर जाएगा, स्टेटमेंट कैसा कर जाएगा मैच कर जाएगा, यही यही है, यही प्रोबेबिलिटी है ट्रूथ की कि ए ए इज स्पीकिंग ट्रूथ एंड बी विल बी आल्सो स्पीकिंग ट्रूथ, जब ही दोनों का स्टेटमेंट मैच कर जाएगा, जब दोनों स्टेटमेंट मैच कर जाएगा तो इनकी एक फेवरेबल केस आ गया तो बोथ आर स्पीकिंग ट्रूथ, यानी फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल कितना है 21 अपॉन 240 तो इसकी वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, फेयरवेल कितना है 21 अपॉन 240 और इसको प्लस कर दिया दैट इज वी है कैलकुलेट सच दैट टाइम 21 अपॉन 30 दैट इज प्रोबेबिलिटी इज 21/30/6 ठीक, आज क्या बताया मैंने शुरू में बाइनोमियल
डिस्ट्रीब्यूशन का एक सवाल बताया, ठीक है, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिपीटेशन था, फिर इसके बाद क्या बताया हमें, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी बताई है एक, ठीक है, फिर इसके बाद मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन बताया, फिर मैथ और ये क्या है, कॉनिक साइड प्रोबेबिलिटी में है कि स्टेटमेंट मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है भाई। आगे बढ़े भाई, अगर इसको कोई प्रॉब्लम, ये मैंने जो है ज़्यादातर जो है जितने भी क्वेश्चन या मैक्सिमम टाइप ऑफ प्रायोरिटी है, सारी टाइप ऑफ प्रायोरिटी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव कैलकुलेट देयर, ठीक है। इफ एनी स्टूडेंट हैव एनी डिफिकल्टी और एनी क्वारी, प्लीज कॉल मी और आस्क मी एनी क्वेश्चन, ठीक, ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही है, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, थैंक्स।